वेलकम टू जेनएसपी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 20+ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ हेडिंग दे दिया और यहाँ पर जो है हमारा स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर मार्क्स भी दे दिया। अब हमें क्या करना है, किसी इसमें डेटा में से किसी भी एक पार्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना, उस कॉलम के किसी भी सेल पे हम क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे, देखेंगे पूरा का पूरा हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या करना, अगर पूरे के पूरे जो है ना एक रो को सेलेक्ट करना इसमें से, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ जो है क्या करेंगे, यहाँ से स्पेस की प्रेस करेंगे, देखेंगे पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ये टेबल को सेलेक्ट करना हो जहाँ तक हमारा डेटा है, तो उसको कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस यानी इस डेटा में कहीं पर भी ये जो हमारा टेबल है इसमें कहीं पर भी क्लिक कर दिए किसी भी एक सेल में और कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस कर देंगे, देखेंगे पूरा का पूरा हमारा टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आपका डेटा है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, इंसर्ट कॉलम। देखिए इंसर्ट कॉलम में रो आप कैसे ला सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी जैसे ये नेम है, ठीक है, नेम के आगे हम चाहते हैं क्या करना, रोल नंबर देना। जैसे ए बी सी डी ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम 1 2 3, ये हमारा कहलाता है रो। नेम के आगे रोल नंबर देना हो तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे या ये हेडिंग वाला ऑप्शन पे इसमें क्लिक कर देंगे तो और क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना और प्लस की प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा एक जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर जैसे टाइप कर देते हैं रोल नंबर। ठीक है, हमने रोल नंबर टाइप कर दिया। अब जो भी हेडिंग वगैरह देना हो तो आप यहाँ पर चले जाएँ और कलर वगैरह फिल कर दें, और यहाँ पर अगर लाइनिंग वगैरह लेना हो, बॉर्डर वगैरह, तो यहाँ से दे सकते हैं, देखेंगे इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से कहीं पर भी एक जो है स्टूडेंट का नाम भी ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी जिस रो पे करना हो, जिस रो पे, तो उस रो पे ऐसे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट की वो प्रेस करके रखना है, प्लस की प्रेस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से यहाँ पर जो है ये इंसर्ट हो जाएगा इजीली। चलिए अब हमें क्या करना हो, डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, यानी जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे हेडिंग से। ठीक है, ऐसे यहाँ से नहीं, हेडिंग से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर देंगे, देखेंगे वो हट जाएगा। उसी तरह से ये वाला रो को भी करना हो, कंट्रोल के साथ माइनस, देखेंगे ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टैब। इससे क्या कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में आप जा सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक वर्कबुक है, ठीक है, चलिए फाइल पर जाते हैं, ये दो, फिर चले जाते हैं यहाँ पर तीन। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमारा एक ये है, दूसरा, तीसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या चलिए इजी करने के लिए हम यहाँ पर जो है ना अलग अलग कॉलम सीट पे अलग अलग एक ये दे दिया। ठीक है, दूसरा वाला पे हम जो है दो शेप को इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से, एक और यहाँ पर और एक ले लिया ताकि इजीली आप पहचान सकें। अब देखेंगे तो हमारा पहला वाला वर्कबुक में क्या है, हमारा जो डेटा है वो टाइप किया हुआ है, दूसरा वाला पे हमने एक शेप को इंसर्ट किया था, तीसरा वाला पे ये। अभी आप जो भी अगर इसमें चले पहला वाला में हमें क्या करना हो, अगर इससे हमें दूसरा वाला वर्कबुक में जाना हो तो उसके लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे, देखेंगे इससे, देख रहे हैं इस तरह से आप जा सकते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, किसी भी जो है ना एक्टिव वर्कबुक को क्या करना, मिनिमाइज करना। देखिए उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9, जिससे क्या हो जाएगा हमारा जो एक्टिव वर्कबुक है वो मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना, ये F9 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा इस तरह से, देख रहे हैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं यानी एक्टिव वर्कबुक को। चलिए अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, इंसर्ट न्यू शीट। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11, देखेंगे यहाँ पर ये यह हमारा जो है देख सकते हैं एक ये, ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर और भी सीट इंसर्ट कर दें तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और F11 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे हमारा नया सीट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। देखने एक सीट ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह सीट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, किसी भी सीट को डिलीट करना, और डिलीट कैसे करेंगे तो देखो उसके लिए अल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद EL प्रेस करेंगे, EL देखेंगे, EL 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 देखेंगे पूरा का पूरा सीट यहाँ से इस तरह से डिलीट हो जाएगा, यानी अल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद E और L की को प्रेस कर देंगे तो इस तरह से हमारा जो है सिलेक्टेड सीट जो है वो डिलीट हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट किया है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन। जिससे क्या कर सकते हैं, फॉर या फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड सीट जो है उसमें जा सकते हैं। जैसे अभी कहाँ पर, ये वाला सीट में, ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला सीट में जाना है, कंट्रोल के साथ पेज अप करते जाएंगे, देखेंगे इससे आगे वाला सीट पे आ जाएंगे, इससे फिर पीछे वाला पे जाना हो तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे इस तरह से, यानी एक सीट से दूसरे सीट में आप जा सकते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप से। चलिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस F1, जिससे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले एंड हाइड रिबन। जैसे कि ये हमारा क्या है,
रिबन कहलाता है, ठीक है। जैसे जाते हैं ना, ये अलग अलग टैब है, तो अलग प्रत्येक टैब का अलग अलग अपना रिबन होता है। इसी रिबन को अगर डिस्प्ले करना हो, दिखाना हो, या फिर हाइड करना हो, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करेंगे, देखेंगे वो हट जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। फिर लाना हो, F1 की प्रेस करेंगे, इस तरह से वो आ जाएगा। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट सर्किट किया, कंट्रोल प्लस F2, जिससे आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करेंगे, इस तरह से आप जो है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इससे बाहर निकलना हो तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे, या फिर यहाँ से बैक कर देंगे, तो भी हम इससे बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट किया है वो है कंट्रोल प्लस 9। इससे क्या कर सकते हैं, अपने जो है ना रो को हाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा रो, इसको हाइड करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम 9 की प्रेस करेंगे, देखेंगे वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से उसको अगर क्या करना, अनहाइड करना हो, तो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल को साथ हम 9 की प्रेस करेंगे, देखेंगे वो अनहाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये हमारा कॉलम है, जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब, तो हम चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट जो है इसको हाइड करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ जो है ना, यहाँ से हम 0 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे हमारा कॉलम हाइड हो जाएगा। और उसको अनहाइड करना हो तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है ना 0 की जो है उसको हम प्रेस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से वो यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट किया वो क्या है, एल प्लस ओ सी ए, जिससे क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम कर सकते हैं। चलिए, हम क्या करते हैं, पूरे का पूरे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है ना अल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, ओ सी ए, देखेंगे इस तरह से हमारा जो है ऑटो फिट यहाँ पर हो जाएगा। टेक्स्ट के हिसाब से जो भी हमारा नंबर है, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा कॉलम टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो गया, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, जिससे आपका जो करंट टाइम है उसको आप अपने डेटा पे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज कि हम चले आते हैं सीट 2 पे, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा अभी जो करंट का टाइम है उसको हमें इंसर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना, सेमी कोलन प्रेस कर देंगे, तो अब यहाँ देखेंगे हमारा जो है यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। उसी तरह से हमें क्या करना हो, डेट का लाना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है सेमी कोलन की प्रेस कर देंगे, देखेंगे जो आज का डेट है, इस तरह से आ जाएगा। या फिर उसी तरह से डायरेक्ट इस तरह से भी लाते हैं, इक्वल और नाउ टाइप करेंगे, तो भी आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जो भी टाइम अच्छा लगा आप, तो वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। इससे पूरा डेट टाइम आ जाएगा, और यहाँ से ओनली डेट या फिर टाइम को आप ला सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट किया है वो क्या है, कंट्रोल प्लस W, जिससे क्या कर सकते हैं, जो करंट जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। सपोज कि देखिए, ये में हमारा डेटा, इसको क्लोज नहीं करते, 3 पे चला है, इसको क्लोज करना है, कंट्रोल के साथ W की प्रेस कर देंगे, सेव करना हो तो ठीक है, नहीं तो वो इस तरह से देखेंगे डिलीट हो जाएगा। चलिए, अब हमारा कौन सा, ये वाला पे चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ W की प्रेस करेंगे, अगर डेटा है सेव करना है, ठीक है, नहीं तो डोंट सेव, देखेंगे इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट किया हुआ है अल्ट प्लस F1, जिससे क्या कर सकते हैं, आपका जो करंट डाटा है उस पर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जितना भी डाटा हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना अल्ट के साथ F1 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे हमारा इसमें जो है चार्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं, इसको हटाना हो या फिर इसमें जो भी चेंजेस करना हो, यहाँ से स्टार्ट वगैरह सारा काम कर सकते हैं, या फिर उसको हटाना हो तो यहाँ से हटा देंगे, ये हट जाएगा इस तरह से। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट किया हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, जिससे क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉर्मूला बार है ना इसको आप एक्सपेंड करा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला बार है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और यू की प्रेस कर देंगे, देखेंगे ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करना हो फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा करके रखना है और यू की प्रेस कर देंगे, देखेंगे वो जो है छोटा हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बार का जो साइज है उसको आप एक्सपेंड ही कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल साइज है उसमें आप ला सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो है नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी, जिससे क्या कर सकते हैं, अपना सेलेक्ट किए हुए जो सेल्स है उसको आप टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल टी की प्रेस कर देंगे और यहाँ से जो है ओके कर देंगे, देखेंगे तो हमारा जो है टेबल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने अपना डाटा पे जो है उस पर हमने टेबल अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी फॉरवर्डिंग वगैरह लेना हो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नन भी कर सकते हैं, जो सिंपल सा टेबल है वो रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली यूज होने वाले ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।